ये वीडियो हमारे सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं थ्रू देयर नीट रैंक, उनका नीट में कुछ भी स्कोर रहा हो. एंड देन आई सजेस्ट यू, दिस इज द लास्ट ऑप्शन जिसके अंदर मैं बोलूंगी हर एक उस बच्चे को जाना चाहिए जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहता है ऑन द बेसिस ऑफ नीट रैंक. राउंड थ्री आप लोगों को पता है एमसीसी का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आपका जो वैकेंट सीट है वो आ चुका है. आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एमसीसी के अंदर बीएससी नर्सिंग की कितनी सीट्स बची हुई हैं राउंड थ्री में, उन सीट्स के लिए जब आपका काउंसलिंग होगा तो लास्ट किस रैंक तक बच्चे को एडमिशन मिल सकता है. सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीटली ये क्लियरिटी मिलने वाली है कि आपको राउंड थ्री में पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए. जो राउंड टू से राउंड थ्री में जा रहे हैं आपको राउंड थ्री में जाना है नहीं जाना है, कितने चांसेस आपको सीट मिलेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है. अगर आज आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बिकॉज इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. ऑल्सो हमारे चैनल पे आप लोगों को बीएससी नर्सिंग, एम्स नर्सिंग हो या फिर आपका नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग हो, सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक सेम चैनल पे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे. सबसे पहले मैं आप लोगों को एमसीसी का एक बार शेड्यूल दिखा देती हूँ कि भाई एमसीसी का जो हमारा शेड्यूल है वो कहाँ तक आ चुका है. सो लेट्स हैव अ लुक हियर. भाई आज है हमारा 8th ऑफ अक्टूबर, टुडे इज द लास्ट डेट, आखिरी दिन है आपके पास चॉइस फिल करने के लिए, चॉइस लॉक करने के लिए या रजिस्टर करने के लिए. सो भाई मैं चाहती हूँ हर एक बच्चा, अगर जो भी बच्चा इस वीडियो में पहली बार देख रहा है तो इस वीडियो का बेनिफिट उठा ले क्योंकि कल से सीट अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा. एंड कितनी सीट्स बची हुई है वो हम देख लेते हैं. कैसे देखोगे, क्लियर वैकेंसी राउंड थ्री पे गए, अब यहाँ से तो नहीं पता चल रहा है टोटल, क्योंकि ये तो दिखा रहा है राउंड थ्री में टोटल 88 सीट्स है, मतलब 88 पेजेस, सॉरी नॉट सीट, 88 पेजेस है. तो भाई 88 पेजेस को हम कैसे पता लगाएंगे यहाँ पे बीएससी नर्सिंग किस कॉलेज में कितनी सीट्स है. डोंट वरी, और श्वानी मैम इज हियर, मैंने आपके लिए पूरा डेटा एनालिसिस करके निकाल लिया है आपका राउंड थ्री का कंप्लीट सीट मैट्रिक्स कि भाई अगर आप राउंड थ्री में जा रहे हैं तो सिर्फ बीएससी नर्सिंग आप इसके थ्रू चेक कर सकते हैं. इस पीडीएफ को आप मेरे टेलीग्राम से ले सकते हैं, आपको पूरा वो इतना बड़ा 88 पेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ ये पेजेस आप पढ़ लो, 5 से 6 पेजेस. कैसे देखना है आपको, देखना अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कोटा कौन सा है, दिल्ली एनसीआर, आपके पास दिल्ली कोटा है तो आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो एक सीट अवेलेबल है भाई. अगर आप कौन सा अहिल्या बाई ओपी जनरल कैटेगरी से है 2 सीट अवेलेबल है, आप ओपी पीएच फिजिकली हैंडीकैप 1 सीट अवेलेबल है. दिल्ली कोटा वाले बच्चों के लिए देखना एससी में 2 सीट, 2, 3, 4, 5, 6 सिर्फ 6 सीट्स अवेलेबल है दिल्ली कोटा वाले बच्चों के लिए. और एनसीआर वाले मतलब ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 सीट्स अवेलेबल, 2 में भी एक एससी की सीट है. तो भाई अगर कोई ऑल इंडिया वाला बच्चा अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग में जाने का सोच रहा है तो प्लीज 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 सोच लेना जाने से पहले, क्योंकि आप देख सकते हो सीट ही नहीं है भाई राउंड थ्री में. सेम बाबा खरग सिंह के लिए आप देखो ऑल इंडिया बेसिस पे ये सारी सीट्स अवेलेबल है बाबा खरग सिंह, अगेन कैटेगरी वाइज देखना, जैसे ओपी है जनरल कैटेगरी की काफी सीट्स अवेलेबल है, ठीक है, ओबीसी की 7 सीट अवेलेबल है, ईडब्ल्यूएस की 3 सीट्स है, पीएच वाला बच्चा वो पीएच की सीट मिलेगी, ओपी 1 सीट अवेलेबल है वो सीडब्ल्यू कोटा है. तो कोटा के अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीट्स चेक करोगे, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपको इन राउंड थ्री में काउंसलिंग करानी है या नहीं करानी है. क्योंकि राउंड थ्री में अगर आपने पार्टिसिपेट कर लिया, आपको कोई सीट मिल गई, तो आप उसको रिजाइन नहीं कर सकते अनलेस आपके जो 15,000 आपने काउंसलिंग में लगाया वो वेस्ट हो जाए. आप राउंड टू से अपग्रेड कराते हो आ रहा, राउंड थ्री में सोचना अपग्रेड कराने से पहले, समझ रहे हो. अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो भाई अगर आप कट ऑफ की बात करोगे ना, सो वन एंड ऑनली चैनल जिसपे आपको बिल्कुल ऑथेंटिक कट ऑफ मैं यहाँ पे शो करने वाली हूँ, लेट्स हैव अ लुक हियर. ये रहा सारे कॉलेजेस की कट ऑफ बिल्कुल क्लियर मेंशन है. अगर आप अहिल्या बाई की देखेंगे तो भाई सीट मैट्रिक्स आ गया है कि भाई ऑल इंडिया के अंदर सीट्स में बहुत कम सीट्स अवेलेबल है और हमारे पास लास्ट जनरल कैटेगरी को 48256 पे सीट मिला था, ओबीसी को 55541 पे मिला था. तो भाई इसको सिर्फ आप जनरल में 50,000 मान चल सकते हो ऑल इंडिया में, क्योंकि सीट ही बहुत कम है. एनसीआर में 140,000, तो 145,000 से आप मान के चल सकते हो कि आपको सीट मिल सकती है. समझ रहे हो एग्जैक्टली मैं क्या आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ. आपको पार्टिसिपेट करना है नहीं करना है उसका डिसाइडिंग फैक्टर पहला होना चाहिए कि क्या आप
ऑल इंडिया है तो ऑल इंडिया सीट बची हुई है, अगर बची है तो क्या आपकी कैटेगरी की सीट बची है, और कैटेगरी की सीट बची है उसके बाद ये वाला शीट चेक कर लेना। इसी शीट को भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑल्सो मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, वहां से चेक कर ले, कर सकते हो। दिल्ली एनसीआर देख लिया, इसमें मैक्स और मैक्स जब सीट बहुत कम बची हुई है 5000 का मार्जिन आप लेके चलोगे। ऑल्सो जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, आफ्टर रिजल्ट अनाउंसमेंट में सेम चैनल पे आप लोगों को प्रॉपर डेटा बताऊंगी कि भाई अब स्ट्रे राउंड के लिए आप लोगों को क्या करना, क्योंकि स्ट्रे राउंड इज द राउंड जिसके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं हाई से हाई रैंक पे भी सीट मिलने के। ठीक है, तो ये हम लोग एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। EWS में NCR के लिए 1,89,000, तो यहाँ पे 2,00,000 तक भी अगर आपकी रैंक है आप अहिल्या बाई मान सकते हैं, अगर आपके पास दिल्ली कोटा है। दिल्ली कोटा का मतलब ये होता है कि आपने जो 11th and 12th है वो अपना दिल्ली से किया हो, दिल्ली डोमिसाइल अगर आपके पास हो। OBC 1,55,000, देखो कितना डिफरेंस आ रहा है भाई, क्योंकि दिल्ली NCT के कॉलेजेस है तो दिल्ली वाले बच्चों को तो प्रॉफिट देंगे ही देंगे ना, ये प्रायोरिटी दिल्ली वाले बच्चों को मिलती है। SC कैटेगरी में 2,44,000, तो यहाँ पे 2,00,000 मतलब 3,00,000 तो नहीं जाएगा, 2,60,000 तक मान के चलो। ST में 3,79,000, ये 4,00,000 तक भी पहुंचने के चांसेस है, क्योंकि ST की सीट्स हैं। सबसे ज्यादा जो सीट्स हैं फ्लोरेंस नाइट एंजल की सीट्स हैं, फ्लोरेंस नाइट एंजल में आप देख रहे हो ऑल इंडिया बेसिस पे भी 83,000 जा रहा है, तो यहाँ पे 1,00,000 मान के चल देना। EWS OBC SC ST में यहाँ पे कोई अलॉटमेंट नहीं था। दिल्ली NCR अगर आप देखो फ्लोरेंस नाइट एंजल 1,70,000, ये 2,00,000 तक जाएगा, ये 2,00,000 ऑलरेडी गया हुआ है, 2,08,000, 4,00,000 भाई, ये 5,00,000 तक जाएगा। एंड ये मैं आपको दिखा दूंगी जब रिजल्ट आएगा थर्ड राउंड का, प्रॉपर ऐसे ही एनालिसिस दिखाऊंगी कि लास्ट सेकंड राउंड तक यहाँ मिला है, लास्ट थर्ड राउंड तक इतनी रैंक पे सीट मिला है। दिस इज द एग्जैक्ट डेटा, बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा है जो मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, रैंडम एंट्रीज नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट डेटा है। लेडी हार्डिंग की अगर आप बात करें ऑल इंडिया पे 9,94,000 समथिंग है, ठीक है 1,23,000, तो ये 1,00,000 तक बहुत आसानी से जाएगा, ये 1,20,000 तक जाएगा, ये आपका 90,000 तक जाएगा BMMC। अब BHU भाई, BHU बहुत डिमांडिंग है, तो BHU में 58,000 में मिला, तो इसको इस बार 65K कर लेना, इसको 80K कर लेना, इसको 70K तक कर लेना, क्योंकि भाई जो 68,000 वाला बच्चा होगा और थर्ड राउंड में तो गया ही होगा ना, 68, 69, 70 वाला वो जाएंगे, तो उनके ज्यादा चांसेस यहाँ पे। अगेन इट डिपेंड्स कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, अगर आप चाहें एक बार BHU की सीट्स देख लो भाई, BHU में कितनी सीट्स बची हुई हैं, ये देखो दिस इज द BHU का सीट वाला मैट्रिक्स। OBC में 6 सीट्स है सबसे ज्यादा, देखो जनरल वाले बच्चों के तो मजे हैं, SC वालों की 10 सीट्स अवेलेबल है, जैसे BC PA तो PH हो गया, ठीक है ST की 3 सीट्स है, तो हमारे जो सबसे कम चांसेस है SC के सबसे ज्यादा, ST के सबसे कम है, EWS भाई OBC के भी बहुत कम है, तो उसके बेसिस पे यू विल डिसाइड कि आपको क्या करना चाहिए। इफ यू फील कि भाई आप लोगों को BSc नर्सिंग करना था 2024 में बट आप नहीं कर पाए, यू अगेन हैव एन ऑप्शन फॉर 2025, 2025 के लिए अभी भी आपके पास टाइम बचा हुआ है। एंड आई वुड सजेस्ट नीट के अलावा एम्स BSc नर्सिंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो कि आपको करना चाहिए। भाई मैं तो बोलती हूँ कि अगर आपको नर्सिंग करना है तो एम्स से करो ना, ऐसे वैसे दिल्ली वाले कॉलेज से क्यों करना, और एम्स में कोई कोटा नहीं है, कुछ नहीं है, ऑल इंडिया कोटा पे आपका एडमिशन होता है। एंड सबसे बेस्ट चीज होती है कि इसका जो एग्जाम होता है जून में होता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ 100 क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स का होता है, और इस 100 मार्क्स में आउट ऑफ द 100 मार्क्स जो क्वालिफाइंग पता है कितना है, सिर्फ और सिर्फ 60, भाई 60 मार्क्स ले आओ, क्वालिफाई कर जाओगे, काउंसलिंग में बैठ जाओगे। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारा ऑलरेडी बैच चल रहा है जिसमें हम ऑथेंटिक एम्स BSc नर्सिंग सिलेक्शन बैच रन कराते हैं हर साल, जिसमें 60% बच्चों का सिलेक्शन होता है। इफ यू वांट टू नो मोर DM ऑन 9877060263, दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर, आप इस नंबर पे अपनी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं, आर टीम विल शॉर्टली हेल्प। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, बेनिफिशियल लगी है, तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर देना। We'll see you in the next video. Bye, everyone.